नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। खस्ता हाल सड़क की कहानी, पढ़ने वाले बच्चों की जुबानी, पैर में पहनने वाले जूते चप्पल हाथ में लेकर चल रहे मजबूरन बच्चे। तहसील क्षेत्र के ग्राम देवरी बिछिया से गुंडा सड़क तकरीबन एक दशक से खस्ता हाल में है, जिसमें आवागमन करने में ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर 28 अगस्त को सड़क बदहाल आवागमन हुआ मुश्किल नामक शीर्षक से प्रमुखता के साथ समाचार प्रकाशित करने के बाद 29 अगस्त को स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने मेरी सरकार आपके द्वार उमरिया पान ग्राम में कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री प्रियव्रत सिंह को पत्र लिखकर भी खस्ता हाल सड़क की समस्या से अवगत करवाया था। शनिवार दोपहर ग्राम गुंडा के स्कूली बच्चे खस्ताहाल मार्ग से पढ़ने प्राथमिक शिला बिछिया जा रहे थे, जिन्होंने पत्रिका से चर्चा में बड़ी दुख भरी बात बताई कि काफी दिनों से सड़क दलदल भरी है, जिसके कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने के समय पैरों में पहनने वाले जूते चप्पल भी कुछ छात्र छात्राओं ने हाथ में लिए हुए थे, जिसके विषय में बच्चों ने बताया कि सड़क खराब होने के कारण जूते चप्पल नहीं पहन पा रहे हैं। वहीं कांग्रेसी नेताओं में भी निराशा है कि भाजपा शासन काल में पिछले वर्ष बारिश के दिनों समय में धान का रोपा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। अब कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद सड़क निर्माण में प्रशासन रुचि नहीं ले रहा है। क्षेत्रवासियों में राम प्रसाद शुक्ला, अजीत शुक्ला, लक्ष्मण गर्ग, आनंद मिश्रा, रवि अवस्थी, ओमकार शर्मा, नीरज राय, रमेश गर्ग, चंद्रशेखर सोनी आदि ने खस्ताहाल सड़क में जल्द से जल्द सुधार की मांग की है। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो बेटा? कौन से गांव के रहने वाले हो? सभी गुड़ा गांव के हो। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या क्या नाम है बेटा आप लोगों के? हमारा नाम कुमारी उषा यादव। तुम्हारा बेटा? कुमारी निधि यादव। तुम्हारा बेटा? कुमारी प्रियंका। और बोलो, कब से सड़क खराब है आपके यहाँ की? सड़क नहीं बन रही आपकी यहाँ की? नहीं। जूते चप्पल काफी लड़के नहीं पहने, कुछ हाथ में लिए हैं। कीचड़ होता है तो चप्पल नहीं पहनते हो? नहीं। तो सड़क बनवाना है? जी। किससे? नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी से बनवाना है? यूं तो लोग अपना जन्मदिन कहीं केक काटकर, कहीं वृक्ष लगाकर या तो फिर होटल में पार्टी मनाकर मनाते हैं, मगर कांग्रेस के पूर्व पार्षद कल्लन गुप्ता ने अपना जन्मदिन शास्त्री नगर स्थित निराश्रित वृद्ध आश्रम में जाकर वृद्ध जनों के साथ मनाया और उन्हें फल और मिष्ठान वितरित किए। वहीं बुजुर्गों ने उन्हें काफी आशीर्वाद दिया। कल्लन गुप्ता जी ने बताया कि आमतौर पर लोग अपना अपना जन्मदिन अलग अलग तरीके से मनाते हैं, मगर वृद्ध जनों के साथ जन्मदिन मनाने का अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। आज मैंने भी अपना जन्म दिवस वृद्ध आश्रम में आकर बुजुर्गों के साथ धूमधाम खुशी से मनाया। आज मेरा जन्मदिन था और मैं ईश्वर की पूजा पाठ के बाद अपने बुजुर्ग जनों से इस बात का आशीर्वाद लेने आया था कि आपका सदा मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। हमारे घर में क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है तो निश्चित तौर से वो कमी तो खलती है, तो मैं आज इस वृद्धाश्रम में आकर अपने बुजुर्गों को आशीर्वाद लेने के लिए आया। भैया कितने लोगों को फल वितरण किया गया? कितने? मुझे नहीं मालूम कितने लोग थे, सब लोगों को मिले। नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश है आपके द्वारा? नई पीढ़ी के लिए संदेश है कि इस वृद्धाश्रम को देखना थोड़ी सी पीड़ा होती है कि जो लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। निश्चित तौर से जिन्होंने हमको जीवन दिया है हम निश्चित तौर से उनके प्रति उत्तरदायित है, यही नई पीढ़ी की। जैसे वृद्धाश्रम आपने जन्मदिन मनाया, ये नई पीढ़ी के लिए संदेश क्या देना चाहेंगे कि नई पीढ़ी प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए है जिसको अपनी जिम्मेदारी के निर्वाह से घबराहट होती है। हम सब लोगों को हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करता है, वो हमारे जीवन के लिए हम सब के लिए वो कार्य करते हैं, अपना पेट काटते हैं, हमारा जीवन का लालन पालन करते हैं, तो निश्चित तौर के उसकी इस वृद्ध उम्र में हमको उनकी सेवा करना चाहिए। मेरा नई पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें
और अपने बुजुर्गों को सम्मान। आपका नाम सर? राम मोहन गुप्ता, दायित्व मध्य प्रदेश के सीधी जिला अंतर्गत मड़वास से है, जहां मध्यांचल ग्रामीण बैंक के मैनेजर ओपी मिश्रा द्वारा भारतीय मुद्रा का अपमान किया गया। बता दें कि मोहम्मद शकील पिता मोहम्मद तौकीर निवासी मड़वास स्थित मध्यांचल ग्रामीण बैंक में 10,000 पैसा जमा करने गया था, जिसमें 1,000 का चिल्लर पैसा था। कैशियर और बैंक मैनेजर द्वारा पैसा न जमा कर भारतीय मुद्रा का अपमान किया गया। इतना ही नहीं बल्कि पैसा क्यों नहीं जमा करेंगे ये पूछे जाने पर मोहम्मद शकील के साथ अभद्रता कर बैंक से धक्का मार कर बाहर निकाल दिया गया और बैंक मैनेजर द्वारा बोला गया कि जाकर कलेक्टर से बता देना कि चिल्लर पैसा हम नहीं लेंगे, जो करना होगा कर लेंगे। अब देखना यह होगा कि व्यापारियों की तरह चिल्लर पैसा न लेने पर क्या बैंक मैनेजर पर भी कार्यवाही होगी या नहीं। हाँ सर, ये मध्यांचल ग्रामीण बैंक के आप ब्रांच मैनेजर हैं। आप भारतीय मुद्रा जो है 1,000 रुपए एक अभी जो है खाता धारक जो है मोहम्मद तौकीर करके आए थे, जो है 9,000 रुपए नगद जो पैसे की रकम है और चिल्लर जो 1,000 रुपए लाए, वो आपने जो है अभी मतलब आधे घंटे पहले जो है उस चिल्लर को नहीं जमा किया गया है, और इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हमने उनको बताया है कि अभी हमारे स्टॉक में सिक्के उपलब्ध हैं, ये खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही जमा कर पाएंगे, अभी नहीं जमा करेंगे। तो ये कब तक हो पाएगा सर? जब ये कस्टमर में बट जाएगा तब ये संभावना हम क्या जानेंगे। इस विषय में आप कुछ जो है लिखित दे सकते हैं क्या, जिससे हम कलेक्टर महोदय सीधी को अवगत करा सकें? महोदय सीधी को आप मेरा टेप सुना दीजिएगा, जो हमारे स्टॉक से खत्म होगा तो हम जमा कर लेंगे। तो नहीं सर, निवेदन ये चाह रहे थे कि आप लिखित दे देते जिससे हम बता सके उनसे, और ये वीडियो है और वीडियो कैसे मान लीजिए डिलीट हो गया, कैसे अभी आ गए आप जो है? हमको दीजिए तो हम फिर लिख के आपको देते हैं। मैं आपको लिख के दे देता हूँ ना, उसमें आप साइन कर देंगे। बिल्कुल साइन कर देंगे। तो आप नहीं कहेंगे, हम लिखेंगे। तो आप लिख के दे दीजिए हमको जो है। आप लिखित प्रश्न करेंगे हम लिखित उत्तर देंगे, आप मौखिक प्रश्न करेंगे हम मौखिक उत्तर देंगे। अच्छा, आप लिखित हम आपको दे जो है ना। चलिए धन्यवाद। और खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।